हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस हैं, एंड उनका नेक्स्ट मूव आप लोगों के लिए क्या रहेगा। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट होगा। जितना रेजोनेट होता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट करें। ईमेल आपको इंस्टाग्राम पे और इसी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, आप लोगों का ब्लॉक सिचुएशन है, आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है अपने पर्सन से, आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप लोग जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं, वट एवर, आपका कोई हस्बैंड है, आपकी कोई वाइफ है, आपका कोई एक्स है, या आप लोगों का कोई फ्रेंड है, या किसी के साथ आपका लीस्ट कनेक्शन है, तो आप रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चैनल को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको गाइडेंस मिल सके। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रीडिंग उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कुछ भी चीज़ मिस ना कर सकें। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिनके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हैं उन पर फोकस करिए। मैं देखूंगी उनकी क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आप लोगों के लिए, वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, आप लोगों के पार्टनर्स, आप लोगों के लवर्स, क्या फीलिंग्स हैं लवर्स के, पार्टनर्स हैं उनके, लवर्स के। ओके, ये दो कार्ड आ रहे हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास जजमेंट, देन वी हैव टू ऑफ वैंड्स। जजमेंट यहाँ पे हमारे पास है सैगिटेरियस, एरिस लियो सैगिटेरियस। यहाँ पे स्टार साइन है, इस पर्सन की एज 20-22 हो सकती है। 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी 22 हो सकती है, 20 भी हो सकती है। 222 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव नंबर 10 ऑफ वैंड्स, एरिस लियो सैगिटेरियस। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी तरह से डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। एंड 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर आपका या आपके इस पर्सन का। 21 इनकी या आपकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। द एम्परर की एनर्जी है एरिस, 24 इस पर्सन की एज हो सकती है, 24 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनकी या आपकी। देन गाइस हमारे पास द हाई प्रिस्टिस, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बैक टू बैक नंबर 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। टेट्रा 2, लाइक 2222, ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइसिस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, इट इस लियो सैगिटेरियस। यहाँ फायर की बहुत ज़्यादा गाइज एनर्जी है। देन है हमारे पास 3 ऑफ स्पोर्ट, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 23-32 इनकी अपनी एज हो सकती है, 43-34 यहाँ पे एज ये भी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द रैक है हमारे पास एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली 6 ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, सो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप लोगों का इस टाइम सेपरेशन चल रहा है, आप लोगों की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है आपके पर्सन से, ठीक है। लाइक आप कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हो, एक तो आप लोगों की कोई बात नहीं हो रही आपस में, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ड है, काफ़ी ज़्यादा सैड है। आप लोगों का पार्टनर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना उदास हो रहा है आप लोगों, क्योंकि बात नहीं हो रही। डेफिनेटली या तो इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, या फिर आप लोगों को हर्ट किया है किसी तरह से, या आई फील लाइक इस पर्सन ने आपके आपका दिल दुखाया है, या आपको धोखा दे के आप लोगों को थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन भी हो सकती है कि शायद थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, या आप लोगों को छोड़ा है, छोड़ के थर्ड पार्टी को इस पर्सन ने चूज़ किया है। लेकिन इस टाइम आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए जो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन पर इनको गिल्ट हो रहा है, इन पर एक बर्डन है आप लोगों का दिल तोड़ने का, आप लोगों के साथ बुरा करने का, जिसकी वजह से ये पर्सन अब जो है आप लोगों के साथ यूनियन करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आना चाहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस नज़र आ रहा है। मे बी ये पर्सन आउट ऑफ सिटी, या फिर आउट ऑफ सिटी स्पेशली मुझे लग रहा है कि जैसे ये पर्सन रहता है, लेकिन ये दोबारा आना चाहते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपसे उनकी फीलिंग्स जो हैं वो हिडन है। मे बी हो सकता है आप लोग किसी के साथ या तो कनेक्शन में किसी और के साथ हो, या फिर आप लोग किसी और के साथ मैरिड हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको पसंद तो करता है लेकिन इसने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई, हिडन की हुई हैं अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग्स को, बिकॉज ये अभी इनको लगता है शायद आपको बताना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग या तो किसी और के साथ कनेक्शन में हो, ये इसकी मेन रीज़न है। बट ये आपको बताना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों का यहाँ पर जो इमोशंस हैं वो अनकन्फेस लव है, एक ये पर्सन ने आपको बताया नहीं हुआ, ये वेट कर रहा है अभी आप लोगों को अपने दिल की बात कहने का। मे बी ये पर्सन खुद काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा है आप लोगों को ना बता के,
क्योंकि यहाँ पे टाइम जो मतलब एक बताने का जो तरीके का आ रहा है ना, लाइक इस पर्सन ने जो इमोशंस छुपाए हुए हैं वो बताने में थोड़ा सा इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ नो डाउट इस पर्सन का सोलमेट का कनेक्शन है, ये एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आप लोगों को आई फील है कि इस पर्सन की इमोशंस जो है वो महसूस भी होते होंगे, क्योंकि ये एक सोलमेट स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो कहीं ना कहीं आप लोगों की अपनी इंट्यूशन भी आपको कहती होगी कि ये पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहा है, और आप लोगों की जो इमोशंस हैं वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, टेलीपैथी यहाँ पे कनेक्शन है आपका। दैट्स वाई ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ आगे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके पास से है ऑलरेडी, लाइक आप लोग इस पर्सन के साथ कनेक्शन में रहे हो, वट एवर ये पर्सन आपका किस तरह का कोई फ्रेंड रहा है, कोई कुलीग रहा है, बट आपकी कोई ना कोई यहाँ पे सेम कम्युनिटी है, सेम गैदरिंग आप लोगों की है, जहाँ से आप लोगों के पर्सन जो हैं आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि इसको रिबर्थ चाहिए इस कनेक्शन की, ठीक है। सो यूनियन यहाँ पे नहीं है, तो अभी ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी भी है। ये पर्सन आप लोगों के साथ सीरियस कनेक्शन में, सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहता है और आगे आपको कमिटमेंट देना चाहता है, और उस चीज़ का ये पर्सन वेट कर रहा है। डेफिनेटली इनसे वेट हो तो नहीं रहा, लेकिन काफ़ी हद तक एक पास्ट में बुरा करने का आप लोगों के साथ वो बर्डन इस पर्सन को महसूस हो रहा है, बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे हो सकता है ये इन पे अभी फैमिली की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक घर में सबसे एल्डर हो सकते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के कंधों पे है, जहाँ से इस पर्सन को भी आप लोगों को अप्रोच करने का या आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का टाइम लग रहा है, जबकि ये बर्डन है बताना चाहते हैं आप लोगों को अपनी फीलिंग्स। और आई फील लाइक बहुत जल्दी ये पर्सन उस मतलब लाइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको रिलीज़ करके ये आप लोगों को अप्रोच करें, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। और न्यू शुरुआत भी आपके साथ करना चाहते हैं, प्यार की आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, प्यार ऑफर करना चाहता है ये पर्सन, सेलिब्रेशन चाहते हैं, दैट्स वाई चाहते हैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें आप लोगों के साथ, आप लोगों का वेट कर रहा है ये पर्सन। आप लोगों से नो डाउट ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मिलकर एक आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और पास्ट के जो भी किस तरह का गिल्ट है इस पर्सन को, या पास्ट की बुरा करने की रियलाइजेशन है, उसका गिल्ट ख़त्म करना चाहता है आप लोगों को बता के, ठीक है। बट आई फील लाइक कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली, आप भी सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है, लेकिन कुछ लोगों के सिचुएशन में यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। देन आई स्टॉप, यस इस टाइम आई फील लाइक हो सकता है शायद अभी ये नहीं आ पा रहे आपकी तरफ, या आप लोग खुद ही आपने कोई बाउंड्रीज बनाई हुई हैं अपने इर्द गिर्द, दैट्स वाई ये पर्सन अभी अपने आप को नहीं मतलब लाइक इस पोजीशन पे समझ रहा कि आप लोगों को अप्रोच किया जा सके। हो सकता है आप लोगों की तरफ से भी कोई इस पर्सन को ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा, या फिर आप लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, या दोनों में से किसी एक ने किया हुआ। कंफर्ट, यस ये अपनी लाइफ में कंफर्टेबल खुद को करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में आके, ठीक है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि इनको कंफर्टेबल आपके साथ फील होता है ये पर्सन, बात करके अपने इमोशंस आपसे शेयर करके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता है, दैट्स वाई। देन वी हैव फेयर, यस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि जिसकी वजह से यहाँ पे अभी आ नहीं पा रहे, इसी वजह से इनको गिल्ट हो रहा है, पास्ट का भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। हो सकता है जिसने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दी है इस पर्सन ने, दुख तकलीफ़ दी है, जिसकी रियलाइजेशन इनको अब हो रही है, इसीलिए आप लोगों के पास आने से डर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने खुद ही इस पर्सन को लाइक, हो सकता है आप लोगों ने ब्लॉक किया, उन्होंने ब्लॉक नहीं किया होगा तो आपने किया हुआ ब्लॉक, या हो सकता है दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो, लेकिन इनको डर है आप लोगों के पास आने का, कि कहीं ये ना हो कि आप लोगों ने इस पर्सन को क्रॉस कर दिया, लाइक अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, इस वजह से ये डर रहे हैं अभी आप लोगों की तरफ आ नहीं रहे, जबकि बैलेंस बनाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कि आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, बैलेंस करना चाहते हैं ये चीज़ों को। बट आप दोनों एक दूसरे से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी लग रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों सेम हो, एक दूसरे से आप लोगों की नेचर का, या हो सकता है कुछ लोगों के कल्चर का भी डिफरेंस हो, बट स्टिल ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ गई, इट मींस कि ये पर्सन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, और आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, दैट्स वाई प्यार की नई शुरुआत करना चाहता है ये पर्सन। और फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास रियलाइजेशन का है और रिबर्थ का है, कि ये पर्सन आपके साथ रिबर्थ करना चाहता है, कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब देखते हैं कुछ कि उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप लोगों के पर्सन रोमांटिकली आपके लिए, देन मैं देखूंगी नेक्स्ट एक्शन भी उनका। रोमांटिक फीलिंग्स वीवर्स के पार्टनर्स की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हमारे पास है गाइस रेंडोवियस।
पीरियड गेट अवे फ्रॉम टू इज कॉलिंग यू, यस आप लोग एक प्राइवेट, यस आप लोग एक दूसरे से दूर हो डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि गेट अवे की एनर्जी है, लाइक आप लोग एक दूसरे से दूर हो लेकिन स्टिल ये पर्सन जो है आप लोगों को मिस कर रहा है, आप लोगों को अपने साथ अपनी लाइफ में चाहता है, आप लोगों की एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है ये पर्सन आप लोगों से बात करने में, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉकेज है या ब्लॉक किया हुआ है आप दोनों ने, जिसकी वजह से भी बात नहीं कर पा रही, जबकि ये आपसे प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं अपने इमोशंस जो ये महसूस कर रहे हैं. Then we have material attachment, too much focus on visible trapping. हो सकता है इस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने में लगे हुए हो, काफ़ी ज़्यादा materialistic हो, तो इस पर्सन को कहीं हद तक ये भी लगता है कि कहीं ये ना हो कि अभी आप लोग ज़्यादा अपने लाइफ को सेटल करने में हो, दैट्स वाई आप लोग अभी इस पर्सन से कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो, जबकि ये पर्सन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटल नज़र आ रहा है. ठीक है, सो हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा materialistic चीज़ों पर बेस कर रहा है आप लोगों का कनेक्शन, लाइक आप लोग अपने फ्यूचर को और ज़्यादा सेट करना चाहते हो, दैट्स वाई अभी आप लोग इस पर्सन से दूर हो रहे हो और बात नहीं करना चाह रहे, और शायद इसी वजह से आप लोग इस पर्सन को ब्लॉक किए रखे हुए हो. लाइफ पार्टनर, योर रोमांस इज स्टेबल एंड रेडी टू गो थ्रू द डिस्टेंस, यस ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, ठीक है, और आप लोगों को लेके किसी दूर डिस्टेंस वाली जगह पे जाना चाहते हैं, जाके जहाँ पे आप हो और ये पर्सन हो और दूसरा तीसरा बंदा कोई भी ना हो, क्योंकि ये जो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है ना उसको स्टेबल करना चाहते हैं और रेडी है ये पर्सन कनेक्शन रखने के लिए. मैनिफेस्टिंग द वन, डेफिनेटली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वेरी सून योर ट्रू लव विल अराइव, यस ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको इसी इंटेंशन से, इसी उम्मीद से कि बहुत जल्द आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ होंगे और बहुत जल्द यूनिवर्स जो है आप लोगों को एक दूसरे से मिलवा देगी, तो काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है. बट एट द सेम टाइम ये पर्सन डरता भी है कहीं ना कहीं कि कहीं आप इस पर्सन को दोबारा मौका ही ना दो. ठीक है, चलिए अब मैं देखूँगी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके पर्सन आप लोगों की तरफ, उनका क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है. अगेन थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड देन है हमारे पास मैजिशियन, यस टावर. गाइज ये पर्सन सडनली आप लोगों को रीच आउट करेंगे, ठीक है, 1 to 3 weeks या 1 to 3 months में आपको अप्रोच कर सकते हैं ये, लाइक आप लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं दोबारा से, बिकॉज ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंगली चीज़ होगी. ठीक है, ये मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करें और किसी तरह का ये पर्सन खुद कोई ना कोई ऐसी ट्रिक यूज़ करेगा जहाँ से ये दोबारा से आप लोगों के साथ कनेक्शन में आएगा, और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग खुद ही इस पर्सन से कांटेक्ट करोगे, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे या कोई ना कोई ऐसी ये पर्सन एक्शन करेगा जिसकी वजह से हो सकता है आपके फ्रेंड के थ्रू या तो ये खुद अप्रोच करेंगे, अदरवाइज़ हो सकता है आप खुद ही इनको कॉन्टैक्ट करने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये पर्सन मैजिशियन की एनर्जी है. डेफिनेटली मैजिशियन ऐसा पर्सन है जो किसी भी तरह की कोई भी ट्रिक यूज़ करेगा और आप लोग खुद उस पर्सन के पास भागे चले जाओगे. तो ये आप चीज़ों को आपने खुद देखना है कि आपने क्या करना है, खुद कांटेक्ट करना है या नहीं करना, बट बेटर तो यही होता है कि वो आपसे पर्सन खुद कांटेक्ट करे जिसने आपके साथ बुरा किया है. ठीक है, तो अगर इन्होंने बुरा किया है तो इनको खुद ही करने दीजिएगा एफर्ट, अगर नहीं किया आप लोगों की गलती है तो आप लोग खुद इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर ये कोशिश करते हैं तो. ठीक है, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी गेट टुगेदर भी ये पर्सन फ्रेंड्स के साथ मिलके जो है अरेंज करवा सकता है और एज अ सरप्राइज़ आपको वहाँ पे देगा ये पर्सन वहाँ पे आपको अपने सामने लाइक एक्सपोज करके, लाइक आपको नहीं पता होगा कि ये पर्सन आ रहा है वहाँ पे, लेकिन फ्रेंड्स आपके इस पर्सन के साथ मिलके कुछ ना कुछ ऐसी गेट टुगेदर या किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन यू नो अरेंज कर सकते हैं, कोई पार्टी होगी, कोई फंक्शन हो गया, कोई बर्थडे हो गई या किसी तरह का कोई किस तरह का भी कोई इवेंट हो गया, उधर आप लोगों की इस पर्सन से मुलाकात हो सकती है. ठीक है, तो विद इन 1 to 3 weeks या विद इन 1 to 3 months में ये इस पर्सन का आपसे कोई ना कोई मीटिंग हो सकती है या मूवमेंट हो सकती है इनकी तरफ से. ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय.